ब्रेक के बाद स्वागत है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। गुरु रविदास महाराज ने किया, उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का लोभ लालच दुख दरिद्रता भेदभाव न हो, सब में समानता हो और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए। आज भी जो उन्होंने तब बताया था उनको आज भी हम आत्मसात करें तो सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख, ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे, उस रास्ते को अपना रहे। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है, वंचित है, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग को अपनाकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो वंचितों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। और जैसा अभी यहां पर मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहे, सभी समान रहे। और उनके इस विचार को आत्मसात कर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय को ध्येय मानकर रविदास जयंती के मौके पर हरिद्वार में खास कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आप सुन रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।